यहाँ पे आने के लिए बेसिकली यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है साकेत, और आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे सामने एक बाइक पार्किंग भी है जहाँ पे आप अपनी बाइक भी पार्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं लोगों की विजिट्स वगैरह काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अंदर ले कर चलता हूँ और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आइए चलिए टिकट ले लेते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि पहले के मुकाबले यहाँ पे टिकट बहुत ही सस्ती हो चुकी है और सिर्फ 10 रुपये। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इस साइड का नज़ारा काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे कपल्स वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। ठंड के मौसम में थोड़ा धूप का मज़ा ले रहे हैं ये लोग। इधर का भी व्यू देख सकते हैं आप लोग, बेसिकली कपल्स वगैरह का। इधर का भी ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। कपल्स वगैरह घूमते भी नज़र आ जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लोकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं ज़्यादा क्लोजली वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि दोस्तों किसी की प्राइवेसी पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सो दैट्स व्हाई इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो दोस्तों थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी नज़ारा कैसा है। देख सकते हैं दोस्तों कैसे अंदर घुस के बैठे हुए हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये देख सकते हो कितनी सेफ जगह है यहाँ पे। आ जाओ भाई, देखो कहाँ कहाँ से घुसना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसी कैसी गुफाएं थी अंदर, कहाँ कहाँ से निकल के आना पड़ा है। दोस्तों यहाँ ज़रूर आइएगा आप लोग प्राइवेसी के लिए, कपल्स के लिए। दोस्तों इससे प्राइवेसी जगह आपको पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी गार्डन नहीं मिलेगा, एक से एक कोने मिलेंगे आपको यहाँ पे अपने टाइम स्पेंड करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कैसे लोग अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक 360 व्यू लेके दिखाता हूँ जो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा ये देखकर कि कैसा एरिया है और कैसा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी प्राइवेसी मिलती है आप लोगों को यहाँ पर। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था अंदर और काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, और दोस्तों ऐसी जगह में ज़्यादा देर रहा भी नहीं जाता। तो ये दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, आप देख सकते हैं कितना बड़ा व्यू है बैक साइड में। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये व्यू भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी और फ़ोटोशूट के लिए तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये भी। दोस्तों ये सामने है एक छोटा सा कैंटीन जो जिससे आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नॉर्मल सी बातें खाने के लिए क्योंकि मुझे भी लग चुकी है भूख। तो दोस्तों मिलता हूँ इसके बाद। तो हेलो फ्रेंड, अब हो चुकी है शाम। तो दोस्तों आप देख रहे हो शाम का वक्त हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ मैं भी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक रोमांचक प्लेस के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।